लास्ट टाइम हमने ये देखा था जेपी है, ओके। अच्छा देखिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं जेपीए विद सॉर्टिंग एंड ऑल, ओके। मतलब अगर हमें डेटा लेना है तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा दिस इज आवर एपीआई, ये हमारी एपीआई है, ठीक है। ये हमारा यूजर कंट्रोलर, ओके। सो नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर यूजर, अगर मुझे पर्टिकुलर यूजर फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो। देयर इज अ डायरेक्ट मेथड यूजिंग आईडी, आप डायरेक्ट आईडी से एक्सेस कर सकते हो, और यू कैन यूज दी लिस्ट। आप लिस्ट को ट्रैवर्स करोगे तो आपको ज्यादा ये नहीं लगेगा, वक्त नहीं लगेगा, ओके। सो फॉर एग्जांपल ओके पब्लिक सर, जब जेडीबीसी के अंदर वो रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सर जेडीबीसी में वी हैव रिजल्ट सेट, नो रिजल्ट सेट, तो व्हाई डू वी हैव टू टेक द कलेक्शन देन। रिजल्ट सेट इज स्लोअर देन द कलेक्शन। इज स्लोअर देन द कलेक्शन, क्या क्या बोल रहे सर? रिजल्ट सेट इज स्लोअर क्या कनेक्शन से? हां यस, रिजल्ट सेट इज मोर स्लोअर देन द कलेक्शन। उसमें वो फॉरवर्ड ओनली रहता है, फॉरवर्ड ओनली, और वो अपडेटेबल वो सब रहता है उसमें। हाँ, लेकिन आप लिस्ट को भी ट्रैवर्स कर सकते हो ना कैसे भी। नहीं, पर अगर मैं रिजल्ट सेट को यहाँ पर करता हूँ अपडेट, इट विल रिफ्लेक्ट इन द डेटाबेस। नहीं 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 नहीं, रिजल्ट सेट को अगर आप अपडेट करोगे तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रिजल्ट सेट इज जस्ट अ रिजल्ट, वो है ना अपडेटेबल करके, उसका कंकरेंट अपडेटेबल। हाँ, कंकरेंट अपडेटेबल है, लेकिन हम लोग ने करे थे प्रैक्टिस तो प्रैक्टिकल एक। और या फिर ऐसा कि हम लोग जो फ्रंट एंड में भेजा होता है फ्रंट एंड में, तो ये कलेक्शन को पास करना इजी है क्या? कलेक्शन को इजीली पास कर, आपको मॉडल क्लास मिल रहा है ना, नहीं तो आप क्या करते हो आपको रीडिंग में बहुत इजी है एज कंपेयर टू रिजल्ट सेट, क्योंकि रिजल्ट सेट में आपको टाइप वगैरह पता नहीं होगा, ठीक है। हां हां करेक्ट, ओके। गेट गेट एंड गेट स्ट्रिंग, राइट। तो यहां पे आपको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके सर, ठीक। तो देखो, अच्छा देखो, गेट बाय आईडी, अब आपने यहां पे आईडी पास करना है, गेट आईडी। अच्छा तो क्या करना है आपको, रिटर्न रिपोजिटरी डॉट find by id, okay, find one and then id, आपने id पास कर दिया, ये आपको एक यूजर मिल गया, ठीक है। अच्छा तो हम इसका api भी लिखते हैं, हमारा कंट्रोलर, okay, so I will say public, अब ये आपका response रहेगा only user, okay, so I will say get user by id. So this is my request param. Okay, and I will pass id. And this is int id. Acha, before kya karo? Annotate karo. Request map. Okay, so I will say get user. मैं इसको बोलूंगा गेट यूजर, ठीक है। अच्छा क्या करो, यूजर इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू रिपोजिटरी, मतलब आपका सर्विस, सर्विस डॉट गेट बाय आईडी एंड देन पास द आईडी, यू विल गेट द यूजर। आपको यूजर मिला, अब आप रिटर्न यू कर दो, हो गया है डायरेक्ट, ओके। सो दिस इज वेरी इजी, यू कैन सी कंपेयर इट विद अदर इन मीन डेटाबेस ऑपरेशंस एंड ऑल, ओके। तो मैं पोस्ट में यूज करता हूँ, आप ब्राउजर पर भी हिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
हमारा स्टार्ट हो गया ना, आई मिल गया, मैंने गेट यूजर्स कॉल किया, मुझे आईडी मिल गए 1 एंड 2। नाउ व्हाट आई विल डू, गेट यूजर विद आईडी इज इक्वल टू 1, तो ये मुझे एक यूजर देगा। सो यू कैन सी, सो आई एम गेटिंग ओनली 1 यूजर। अगर मैं आईडी 2 देता हूं तो मुझे सेकंड यूजर मिलेगा। ओके, सो इज दिस क्लियर? सो दिस इज वेरी इजी, मतलब यहां पे आपका काफी इजी हो जाता है। ओके, बट इफ यू कंपेयर इट विद अदर, अगर आप ये किसी और से कंपेयर करते हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, इज दिस क्लियर नाउ? एनी डाउट? नो सर, अंडरस्टूड। सर किसी को डाउट है? हेलो, नो सर, नहीं ना? ओके, ठीक है। अच्छा देखो, आप कस्टम क्वेरीज के पास जाते हैं कि अगर मुझे मेरी क्वेरी लिखनी है, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डील विद दिस थिंग्स, तो वहां पे कस्टम क्वेरीज का ही आता है, तो ऐड क्वेरी एफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, गेट यूजर बाय नेम। अब मेरे पास ये मेथड है नहीं, ठीक है? देखो मेरे पास क्या क्या मेथड्स है, देखो फाइंड ऑल है, ओके, फाइंड ऑल बाय पेज नंबर, फाइंड ऑल बाय सॉर्टिंग, फाइंड वन एंड फाइंड, ये थ्री मेरे पास है। नाउ आई डोंट हैव अ मेथड, मेरे पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिसके थ्रू मैं फाइंड करूं कि बाय फर्स्ट नेम, बाय लास्ट नेम या बाय पासवर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करना है, आपको मेथड्स ऐड करने, आपको इंटरफेस जो यूजर रिपोजिटरी उसको ओवरराइड करना है। नाउ यूजर, ओके, गेट यूजर बाय नेम, मैंने मेथड ऐड किया, and what I will do, I will pass the user string first name, समझो मैंने name pass किया, मुझे name से user find करना है। now definitely this is not supported by GPA, अभी GPA के पास इसका कोई solution नहीं है, तो अब क्या किया जाए? so there is a annotation add query, आप add query में आप खुद की query add कर सकते हो। अच्छा, तो कहाँ पे select करना है, from कहाँ से select करना है, user अभी
आपने रिटर्न किया अपने यूजर, अब हम उसको कॉल करेंगे गेट यूजर बाय नेम और हमें नेम पास करना है। पहले से रन करो, फिर क्या इशू आ गया ये? हाँ वो शायद उसको एक आर्गुमेंट चाहिए, वो मिस कर रहा है। इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन पर तुमने पेजेबल देना पड़ेगा। हाँ इसको शायद पेजेबल चाहिए।
नहीं सर, कल शेयर नहीं किए थे। एक काम करूंगा मैं, इसको शेयर करूंगा। किसको शेयर करेंगे? किसके लैपटॉप में है ये? आदिल के लैपटॉप में है। आदिल, आदिल कैन यू रन दिस? हेलो आदिल, तो मेरे लैपटॉप में है बट बहुत स्लो प्रोसेस होगा। और किसके लैपटॉप में? ताबिश, किसी के लैपटॉप में होगा ना? ताबिश के लैपटॉप में है क्या? बट सर देन वी हैव टू क्रिएट द चेक करनी होता है क्या? बट देन आई हैव टू क्रिएट द डेटाबेस नो सर? हां, वो तो डेटाबेस माय एसक्यूएल में रहेगा ना। तो कैन यू एक्सपोर्ट द डेटाबेस? एक काम करो, एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक टेबल बना लो ना। ये टेबल क्या? आईडी, नेम, पासवर्ड और एड्रेस की। एड्रेस सिलेक्ट स्टार, ये सिलेक्ट स्टार किया आपने? हां, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, यू यू मतलब मेरा ये एज रिनेम किया है। हां, इसका ये टेबल एलियास। हां राइट, अब ये मैंने इसको रन किया और सेम यूजर सर्विस में उसको कॉल किया, गेट यूजर बाय नेम, ओके, रिपोजिटरी डॉट गेट यूजर बाय नेम और नेम पास किया और यूजर कंट्रोल नंबर उसका एपीआई लिखा एंड एपीआई नेम इज गेट यूजर बाय नेम। ओके, अच्छा मेथड का नाम आप कुछ भी लो लेकिन मैं चेंज कर देता हूँ, गेट यूजर बाय नेम और उसको नेम पास किया और जस्ट सर्विस से मेथड कॉल किया और यूजर को रिटर्न, मैं इसको रन करता हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली फ्रॉम यूजर होना चाहिए। अब मेरे इसमें नहीं चलता है। माय मेन ऐप स्टार्टेड, अब मेरा मेन ऐप स्टार्ट हो गया। अब देखो इधर
सो गेट यूजर बाय नेम, नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो ये मुझे एक्स वाई जेड मिलेगा. ओके एंड इफ आई से पी क्यू आर, तो ये हो गया पी क्यू आर. ओके अगर मैं कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, सर अगर हम इंसर्ट करते हैं वो नेम जो नहीं है तो क्या देगा वो? अगर नहीं नहीं है तो फिर रेस्पॉन्स फेल आएगा, एम्प्टी नल आएगा. नल हमने क्योंकि वहां पे कंडीशन नहीं डाली है ना, समझो मैंने कुछ डाल दिया, नल आया, नथिंग, नो रेस्पॉन्स. ठीक है, ऐसे आप वहां पे कर सकते हो. अगर समझो इफ इफ यू इज इक्वल टू नल, अगर यूजर नल है तो आपका रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाओ, यूजर बनाओ, एक नॉर्मल यूजर बनाओ, यूजर टेम्प इज इक्वल टू, या फिर एरर यूजर, न्यू यूजर, और आप रिटर्न टेम्प करो. अब ये नल यूजर गया, नल यूजर इज नल, अगर यूजर नल है तो सारा डेटा नल आएगा. हाँ उसकी फील्ड ही नहीं है तो जेसन ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं. वेट, हम यूजर को कुछ सेट करना है. टेम्प डॉट सेट आईडी जीरो, टेम्प डॉट सेट नेम एम्प्टी, temp dot set address empty, temp dot set password empty. ठीक है, अब सुना ये temp private तो नहीं है ना, जो id password? हाँ नहीं, ये सब empty empty सब empty रहता है. नहीं ये private तो नहीं ना, private. ओके सेट आईडी कर रहे हैं क्या अपन? ओके वी आर कॉलिंग द सेटर मेथड. हां सेट आईडी. हां ओके, तो ये देखो, सो दिस इज द रिस्पांस, आईडी 0, नेम इज एम्प्टी, पासवर्ड एम्प्टी, एड्रेस एम्प्टी. ओके ओके, लेकिन अगर आप इधर एक्स वाई जेड डालते हो तो एक्स वाई जेड आएगा. ओके ओके, इज दिस क्लियर? अच्छा तो अभी आप कोई भी क्वेरी यहां पे डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, एक और कॉलम अल्टर करता हूं, एक alter table user add id name password address. ठीक है, salary add करता हूँ. floor okay, description user. ठीक, अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ, delete from user, सारे कॉलम डिलीट कर देता हूँ. ओके सर, डिलीट और ट्रंकेट में फिर क्या डिफरेंस रहेगा? डिलीट फ्रॉम यूजर और ट्रंकेट यूजर. ट्रंकेट करोगे तो आईडी जो चेंज हो जाएंगे, 0 से 1 से चालू हो जाएंगे, वापस 1 से चालू हो जाएंगे. हां 1 से चालू हो जाएंगे. अभी करंटली मैं इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, आईडी अभी 3 आएगा, ऐसे होगा ऐसा. हां यस, ट्रंकेट मतलब पूरा टेबल क्लीन कर देता है और ऑटो इंक्रीमेंट को रीसेट करता है. ओके ओके, अच्छा रजिस्टर में अभी एक और पैरामीटर ऐड होगा, ऐड रिक्वेस्ट पैरम सेल. ठीक है, इसमें सेल ऐड होगा, फ्लोट सेल. हमारे एंटिटी में एक और ऐड होगा, शायद सेल इक्वल टू नल होगा शायद, जहाँ पर अगर वो नहीं मिले तो. हाँ हाँ हाँ,
को जीरो कर दो, temp dot set sap जीरो, ठीक है। अच्छा यूजर रिपोजिटरी में आओ, अब मैं क्या करता हूँ, गेट यूजर बाय सेल कंडीशन, अच्छा सेल ग्रेटर कंडीशन को चला, गेट यूजर बाय सेल, चलो ठीक हाँ ठीक है, सेल सेल कंडीशन, ओके सेल कंडीशन, ठीक है सेल कंडीशन, गेट यूजर बाय सेल कंडीशन, ठीक है। तो अब ये सेलेक्ट यू फ्रॉम यूजर वेयर यू डॉट सेल इज ग्रेटर देन समथिंग, ओके तो यहाँ पे आएगा सर वो सेल नहीं हुआ, तो ये हो गया गेट यूजर बाय सेल कंडीशन, तो फ्रूट जिसका सैलरी उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू करता है, ग्रेटर देन और इक्वल, ओके तो इट इज क्लियर। ये हो गया, सर्विस में आओ, सब मेथड चलो एग्जांपल, सर एक एपीआई दूसरे एपीआई को इन्वोक कर सकता है, ऐसा नहीं होता क्या? नहीं, आप कर सकते हो लेकिन क्या करोगे करके, मतलब बटन के क्लिक पे सबमिट लॉगिन के क्लिक के ऊपर फिर दूसरा होम पेज लोड, हाँ, कर सकते हो कोई इशू नहीं, बता ना सेंड रीडायरेक्ट वाला, हाँ वैसा कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ओके ये किया। अगर यूजर नल है तो फिर हमने क्या किया, उसको बहुत सब को नल सेट किया और रिटर्न किया, ठीक है। अच्छा अब इसको रन कर, पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, तो सैलरी एडिट तो नहीं है कॉलम के अंदर, हाँ अभी ऐड करेंगे ना, रजिस्टर करेंगे, यूजर्स रजिस्टर करेंगे, ओके मेन ऐप स्टार्टेड, हम रजिस्टर का यूज करेंगे, नेम पासवर्ड एड्रेस सैलरी, ओके रजिस्टर कॉल, ठीक है, नेम पासवर्ड address and salary, ये हो गया सबसे, ठीक है। अब लिंक करो, यू आर ये भी हो गया रजिस्टर, अब एक बार रजिस्टर करो, LMN 1 2, ओके ये रजिस्टर हो गया, चेक करते हैं, ये हो गए सारे रजिस्टर, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, गेट यूजर वाइज सेल कॉल करेंगे, गेट यूजर वाइज सेल कंडीशन, ओके और यहाँ पे सिर्फ सेल देना है, सेल इज इक्वल टू, समझो मैंने दिया 2000, क्या हो गया इंटरनल सर्वर एरर मोर देन वन लिस्ट आएगा ना, ये देखो हमने गलती की, टू मेनी रोज एक्सेप्शन आ गया सर, हाँ मल्टीपल आएंगे ना, है ना, हमने सिर्फ इधर यूजर लिखा हुआ है, यस ये लिस्ट आएगा, टू मेनी रोज आ जाता है, हाँ लिस्ट ऑफ यूजर,
सारे इनिशियली मतलब जब स्टार्ट करोगे आप समझो खुद से प्रैक्टिकल तो बहुत सारे इश्यूज फेस होंगे, लेकिन एक बार आदत हो गई ना कि कौन सा इशू कैसे प्रॉब्लम करना है तो फिर कुछ नहीं। अच्छा ये देखो सर, ये सारे सारे उधर आ गए क्योंकि मैंने इधर 2000 दिया, अब मैं यहाँ पे देता हूँ 4000, तो ये क्या आएगा ये देखो। ओके ओके, अब मैं यहाँ पे देता हूँ 3000, तो दो आएंगे, ये तो आ गए। ओके, तो अगर मैंने समझो यहाँ पे दिया 6000 तो एक भी नहीं आएगा, एम्प्टी, ये देखो एम्प्टी है पूरा। ठीक है आपका, ओके दिस इज क्लियर? यस सर, ये क्लियर है ना। अगर वन टू मैनी मिनट में नहीं करना है तो उसको भी क्वेरी भी करने का? हाँ, उसको क्वेरी से नहीं करना है, उसको एक्चुअली में कैसा होता है कि एट मिनट वन वन टू मैनी आपको एनोटेशन देना, ठीक है, तो आप वो ऐसे कर सकते हो, शायद मैं कल बताऊंगा ये। ठीक है सर, कल 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 ले लेंगे वन टू मैनी मिनट में। अच्छा, अभी तक का किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है सर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी प्रैक्टिस करना बाकी है बस। अच्छा, फ्लो समझ में आ गया? अच्छा, कि कैसे अपन वो एपीआई को कॉल कर रहे, फिर वो कैसे पूरा फ्लो हो रहा, रिपोजिटरी से जा रहा वो यूजर सर्विस में, फिर कंट्रोलर में। तो ये सर, ये पीएल एसक्यूएल के जो फंक्शंस रहते हैं ना, फंक्शन प्रोसीजर्स कर्सर्स, वो अपने को इन्वोक करने करेंगे तो इसमें नॉर्मली कर्सर्स वगैरह ट्रिगर वगैरह नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन से, तो ट्रांजेक्शन नॉर्मली वर्क होते हैं, मतलब आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं रहती यहाँ पे, समझ रहे हो? मतलब कि यहाँ पे कैसा रहता है, इसका फंडा क्या है कि ये कर्सर्स ट्रिगर्स वगैरह डायरेक्ट सिस्टम पे काम करेंगे, आपको जो लगाना है वो आप ट्रिगर वगैरह जो है कॉलेबल सेगमेंट्स रहते हैं इसमें भी। हाँ, वही कॉलेबल सेगमेंट्स रहते हैं। हाँ, वैसा यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ज्यादा यूज नहीं होता है कॉलेबल वगैरह। ओके, हाँ मतलब कैसा है कि ज्यादा करके बेसिंग इनका बेस कैसा रहता है, ये लोग मतलब जब स्प्रिंग बोर्ड बनाया था इन्होंने एसक्यूएल बनाया ही नहीं था, ये लोग क्या करते थे सारा डेटा एक्सएमएल में रखते थे। ओके ओके, हाँ मतलब ये सब क्या करते थे, मतलब एक्सएमएल में रख के ये लोग ये करते थे, लेकिन अभी इनका केस क्या हुआ है कि इन्होंने एक्चुअली ऐड करना था नो एसक्यूएल, मतलब जो मोंगोडीबी है ना, हाँ हाँ, वो ऐड करना था, लेकिन उस वक्त लोग फैमिलियर नहीं थे मोंगोडीबी से। ओके, तो इसलिए उन्होंने भी MySQL वगैरह सपोर्ट दिया, फिर BSQL को सपोर्ट दिया। अब करंटली अगर आप MS Access देखोगे, MS Access भी डेटाबेस है ना, इसमें OSDN सेट करते हैं, वो इन्होंने सपोर्ट नहीं दिया अभी, मतलब सपोर्ट तो है लेकिन बहुत फेल होता है, मतलब कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा ऐसे होता है। ओके, हाँ ऐसे किया है, मतलब अभी नॉर्मली तो इनको जरूरत नहीं दी है, तो अलग अलग इनके ऐड करते हैं इन्होंने।